मथुरा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों वो शातिर बदमाश है भरतपुर के रहने वाले अमर सिंह और जसवीर सिंह, जो कि मथुरा की कोतवाली इलाके में रहने वाले कोसदा ज्वेलर्स के मालिक मुकुंद बंसल से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। जब उसने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो ये दोनों उसकी हत्या करने के लिए राजस्थान से मथुरा आए थे। जिनकी जानकारी एसओजी पुलिस के साथ हाईवे पुलिस को भी लगी तो एसपी क्राइम और सीओ रिफाइनरी की अगुवाई में जब इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चला दी और भागने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 तमंचे और 1 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया है। थाना हाईवे की पुलिस को आज प्रातः लगभग 3 बजे के लगभग जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 2 शातिर अपराधी भरतपुर से मथुरा के लिए किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा उनको रोका गया। ततोहा बैरियर के पास पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधी 1 लूट की मोटरसाइकिल और अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किए गए। पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोसदा ज्वेलर्स को एक भरतपुर सेवर जेल में बंद पंकज शर्मा नामक अपराधी द्वारा पूर्व में चौथ वसूली की धमकी दी गई थी, जिसमें अब तक 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। उसी क्रम में यहां जनपद मथुरा से भरतपुर पुलिस को सूचना देकर भरतपुर पुलिस में छापे की कार्यवाही कराई गई। वहां के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त अभियुक्त के पास से कई मोबाइल व सिम कार्ड बरामद हुए। इस पर उसके मोबाइल का कनेक्शन टूट जाने पर उसने इन दोनों अपराधियों को उक्त ज्वेलर्स को पुनः धमकी देने के लिए भेजा। पुलिस को उसके पहले ही सूचना प्राप्त हो गई, जिससे वह घटना कारित नहीं कर पाए। इसमें एक अपराधी जो अमर सिंह नाम का है, उसके विरुद्ध भरतपुर जनपद में 3 अभियोग पंजीकृत पाए गए हैं अब तक की छानबीन से, और वर्ष 2019 से एक हत्या के केस में जनपद भरतपुर से फरार चल रहा है। पूर्व में वर्ष 2005 में उक्त अपराधी ने एक हत्या की घटना कारित की, जिसमें लगभग 8 वर्ष जेल में रहा है। यह एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसको पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने से पूर्व ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।